और बर्ली हिट एंड रन केस में अभी अपोजिशन जो है वो एलिज कर रहा है कि कवर अप करने की कोशिश की कहीं ना कहीं। देखिए अपोजिशन हमेशा आरोप करते रहे, उनके पास आरोप के सिवा दूसरा कोई काम है? हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में देख रहे हैं हमें कितने प्रोजेक्ट शुरू है। कई मुंबई में देखो कितने बड़े प्रोजेक्ट चालू हैं, मेट्रो के हैं, ये कोस्टल के हैं, अटल सेतु है, ये कारशेड है, ये सब हम कर रहे हैं। ये अपोजिशन को दिखाई नहीं देते। हिट एंड रन में मैंने पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पुणे का हिट एंड रन इंसिडेंट हो गया तब से, ये भी जब हुआ तो मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को कहा कि इसमें कोई भी हो कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उनकी जो भी है कोर्ट की कार्रवाई होगी, पुलिस की कार्रवाई होगी और जो बार है, जो देर रात तक चलते हैं, पब है वहां पर और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है ये सब बेचने वाले जो है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है। इस केस में भी किसी को भी बिल्कुल सपोर्ट करना तो दूर की बात है, ये सभी लोग कानून के सामने, कानून के दायरे में एक समान है और इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन पहले दिन में दिया है और कार्रवाई आप देख रहे हैं। सर, राजेश शाह को आज आपके पार्टी से निकाला गया, क्यों 4 दिन लग गए उनको पार्टी से निकालते हुए, क्योंकि इतने दिन से तो केस चल ही रहा है, नाम तो सामने आया ही था। देखिए पार्टी से निकालना, इससे जो गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करना, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए और जो विक्टिम है उनको सपोर्ट करना ये पहली बात है, वो प्राथमिकता है, उसको प्रायोरिटी देना है, ये पॉलिटिक्स करना है। मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी केस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी मदद नहीं होगी। मेरे इंस्ट्रक्शन आपने देखे, पुणे में भी एक्शन हुई है और यहां भी आप देख रहे हैं एक्शन हो रही है, एक्शन होगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी इलीगल काम करेगा उसको कानून छोड़ेगा नहीं। सर, केस में सर बर्ली हिट एंड रन केस में अभी अपोजिशन जो है वो एलिज कर रहा है कि कवर अप करने की कोशिश की कहीं ना कहीं। देखिए अपोजिशन हमेशा आरोप करते रहे, उनके पास आरोप के सिवा दूसरा कोई काम है? हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में देख रहे हैं हमें कितने प्रोजेक्ट शुरू है। कई मुंबई में देखो कितने बड़े प्रोजेक्ट चालू हैं, मेट्रो के हैं, ये कोस्टल के हैं, अटल सेतु है, ये कारशेड है, ये सब हम कर रहे हैं। ये अपोजिशन को दिखाई नहीं देते। हिट एंड रन में मैंने पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पुणे का हिट एंड रन इंसिडेंट हो गया तब से, ये भी जब हुआ तो मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को कहा कि इसमें कोई भी हो कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उनकी जो भी है कोर्ट की कार्रवाई होगी, पुलिस की कार्रवाई होगी और जो बार है, जो देर रात तक चलते हैं, पब है वहां पर और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है ये सब बेचने वाले जो है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है। इस केस में भी किसी को भी बिल्कुल सपोर्ट करना तो दूर की बात है, ये सभी लोग कानून के सामने, कानून के दायरे में एक समान है और इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन पहले दिन में दिया है और कार्रवाई आप देख रहे हैं। सर, राजेश शाह को आज आपके पार्टी से निकाला गया, क्यों 4 दिन लग गए उनको पार्टी से निकालते हुए, क्योंकि इतने दिन से तो केस चल ही रहा है, नाम तो सामने आया ही था। देखिए पार्टी से निकालना, इससे
जो गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करना है, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए और जो विक्टिम है उनके उनको सपोर्ट करना ये पहली बात है, वो प्राथमिकता है, उसको प्रायोरिटी देना है, ये पॉलिटिक्स करना है। मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी केस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी मदद नहीं होगी। मेरे इंस्ट्रक्शन आपने देखे, पुणे में भी एक्शन हुई है और यहां भी आप देख रहे हैं एक्शन हो रही है, एक्शन होगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी इलीगल काम करेगा उसको कानून छोड़ेगा नहीं।